स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं परसेंटेज का चैप्टर 9, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें उन्होंने आपसे पूछा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, 2/5। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि जब भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, और उसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं 100 के साथ। जब हाँ आपके पास ये आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, इसके नीचे आपने अपने जहन में रखना है कि हमने डिनोमिनेटर को 100 से डिवाइड करना है। उसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा उसको हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी। तो लेट्स स्टार्ट ओवर क्वेश्चन 5 1 5 5 20s या आप देख लें 5, ये 0 अगर आप इस पे हाथ रखते हैं, कुछ बच्चे हैं उनको डिवाइड करने में मुश्किल होती है, तो वो इस तरह कर सकते हैं कि आप लास्ट वाले 0 के ऊपर अपनी फिंगर प्लेस करें। आपके पास अब क्या है, 10 है, तो 5 2s 10, और ये जो 0 आपने फिंगर प्लेस की थी, जब हटाएंगे तो यही इसी 0 को आप ऊपर ले जाएं। या इसके अलावा इससे बेहतरीन तरीका ये है कि आप 100 को अंदर रखें और इसको 5 से डिवाइड कर दें, तो 5 2s 10, ये 0 यहाँ आ गया और इसको हम रिमाइंडर वाले 0 को 2 के पास ले जा के यहाँ लगा देंगे, तो 5 20 100। आपको जौन सा मेथड इजी लगता है आप उसको लेकर चल सकते हैं। अब हमारे पास ऊपर 20 आ गया है जो बिल्कुल ऑपोजिट है 2 के, तो अब हमने इन दोनों को क्या करना है, इनके दरमियान में जो साइन है वो है मल्टीप्लाई का। नीचे डिनोमिनेटर को हमने 100 से डिवाइड किया था, उसके आंसर के साथ हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 multiply by 20 = 2। ऐसे रखें, जो बच्चे मुश्किल समझते हैं मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, 2 0 0 2 2 0 4। तो हमारे पास आंसर आ गया 40, यानी 40%। अब बच्चों अब हम करेंगे इसका पार्ट बी विच इज़ 18/25। अब इस 25 का मतलब है कि आपके पास, क्योंकि हम परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप अगर 100 को 25 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा, और उस नंबर से फिर आपने अपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके उसकी परसेंटेज बतानी है। यानी 100 को हमने 25 टाइम्स या 25 यूनिट्स में डिवाइड कर देना है। इसके लिए हम 100 को अंदर रखेंगे, 25 को बाहर रखेंगे, 25 4 0 100। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ 100। अब हमने क्या किया है, 25 1 0 20 और 25 4 0 100। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को विद द गिवन आंसर, 4 into 18 18 4, 4 8 0 32, 4 1 0 4, 5 6 7, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72%। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट सी। जिस 35/50। अब इसका मतलब है कि आपने 100 को 50 टाइम्स डिवाइड कर देना है। कि जैसे आपके पास 50 बच्चे हैं, तो आपने उस 100 एप्पल्स को या 100 एप्पल्स को उन 50 बच्चों के अंदर इक्वली डिवाइड कर देना है। तो हम इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, 100 को अंदर प्लेस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 50 से। तो आपको पता है 2 times 50 हो तो हमारे पास आंसर 100 आ जाता है, तो 50 2s 100। इसको अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे तो उसके लिए हम पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 100 इन डिनोमिनेटर को 100 से करेंगे डिवाइड, 50 1s 50, 50 2s 100, और न्यूमरेटर को गिवन आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 35s 35 पर प्लेस करें, 2 नीचे। मैं तो वैसे कर लूँगी, लेकिन मैं ये सिर्फ जो डिटेल रफ वर्क होता है मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, ताकि आप अपने क्वेश्चन जो हैं, अगर आपने होमवर्क में करने हैं या आपने ट्यूशन में काम करना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग करें, इसको लेकर चलें। तो 2 5s 10, 2 3s 6 एंड 7, हमारे पास कितने परसेंट आ गया, 70%। आपने क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट बी विच इज 16/80।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास 80 जो है एक बड़ा नंबर है। हम पहले क्या करते थे कि अपने डिनोमिनेटर को डिवाइड करते थे 100 से। अब क्योंकि ये नियरेस्ट 100 है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास 100 के बजाय यहाँ कोई बड़ा नंबर हो, ताकि हम 80 से उसको इजीली डिवाइड कर सकें। अब पहले हम स्टेप करते थे डिवाइड का, इस दफ़ा हम स्टेप कर लेंगे मल्टीप्लाई का। क्योंकि जब आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो अगर बड़ा आ जाता है, तो आपने इस स्टेप को थोड़ा सा स्वैप कर देना है, यानी मल्टीप्लाई पहले कर लेना है और डिवाइड बाद में करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 100 करें, 006, 0011, 0061, तो हमारे पास आता है 1600। अब हमारे पास है ऊपर 1600 और नीचे है 80, तो अब हमारे लिए काफ़ी सूटेबल है इसको डिवाइड करना, ताकि हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में हमारी परसेंटेज ना आए। तो 16 को आपने सिंपली अंदर प्लेस करना है, डिवाइड कर देना है 80 से। या आप इसको पहले हम इस तरह करते हैं, फिर मैं आपको एक और तरीका यहाँ पर बता देती हूँ, आप जौन से मर्जी मेथड को फॉलो कर लें। 82 160, ये 0 स्वैप होकर ऊपर चला जाएगा, यानी 80 20 16 100 आता है। तो हमारे इसका आंसर आ गया कि 20%। अब मैं आपको वो तरीका बताती हूँ जो मैं ये बच्चों अपने बच्चों को यहाँ पर सिखाती हूँ, ताकि वो यहाँ जाके कंफ्यूज ना हो। तो हमने इस 0 को इस 0 के साथ कट कर देना है। अब हमारे पास पीछे रह गया 8 एंड 160। तो अब आप 8 का टेबल पढ़ें, फिर इस 0 के ऊपर अपना फिंगर प्लेस करें, आपके पास है 16। 8 का टेबल वहाँ तक पढ़ें कि आपके पास 16 आ जाए। तो 8 1 8, 8 2 16, और ये जिस 0 के ऊपर हमने अपनी फिंगर प्लेस की थी, उस 0 को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो हमारे पास यहाँ भी आंसर 20 आ जाता है। तो बच्चों, इनमें से जौन सा मेथड आपको ज़्यादा इजी लगे, आप उसको लेकर आगे चल सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17।